फ्रेंड्स, इंट्राडे में तो सभी कमाना चाहते हैं और आजकल कॉल एंड ऑप्शंस यानी ऑप्शंस में बहुत लोग अपना ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने एक आपको सेटअप दिया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप किसी शेयर्स पर कैसे ट्रेड करेंगे जो आपको इंट्राडे में फायदा देगा। तो आज हम उसी कंसेप्ट को, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी पर ट्रेड करते हैं तो भी बहुत बहुत फायदा होगा। तो चलिए उसी कंसेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले पहला कंसेप्ट क्या है कि अगर मार्केट, कोई भी मार्केट अगर 100 पॉइंट से ऊपर खुलता है तो आपको इसमें बड़ी सावधानी से काम करना है। 70 पॉइंट से अगर ऊपर खुलता है तो ये कंसेप्ट आपको आजमाना है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी में बात करते हैं, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आप 400-500 से ऊपर खुले तब आपको ये छोड़ना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, सिंपल कंसेप्ट है और कंसेप्ट सिंपल इसलिए है कि आपको अपने चार्ट पर, जैसे मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, तो निफ्टी के चार्ट का पहला 5 मिनट कैंडल आपको क्या रखना है, 5 मिनट का कैंडल रखना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, 5 मिनट का कैंडल। तो निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट का कैंडल रखना है और ध्यान देना है पहले 5 मिनट की एंट्री और एग्जिट यहाँ और यहाँ, ठीक है? लो और हाई, ठीक है? तो लो और हाई आपने चेक कर लिया, जैसे कि आप लोगों ने शेयर्स वाले वीडियो में देखा होगा, वही कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अब आपको करना क्या है, सिंपल आपको एक मार्किंग कर लेना है कि 5 मिनट का यहां पर जैसे 16:23 है और यहां पर इसने किया है 16,000 के पास, ठीक है? तो अब क्या है कि जैसे ही यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, आपको यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो आपको एंट्री ले लेना है, ठीक है, अगले 5 मिनट वाले कैंडल में। और यहां अगर ये मार्केट यहां से नीचे आता है तो आपको पुट में एंट्री लेना है। जो बायर होते हैं ना, बायर के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है क्योंकि उनको ट्रेड जो करना होता है हमेशा अपने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही करना होता है, अदरवाइज कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, अब जैसे यहां पर किसी ने एंट्री किया, ठीक है? अब यहां पर अगर एंट्री करते हैं, अगर कॉल में एंट्री करेंगे तो सीधी की बात नुकसान हो जाएगा, या यहां पर आपको क्या एंट्री करना है, पुट में एंट्री करना है। तो जैसे ही आप यहां पर पुट में एंट्री करेंगे, अब यहां से अगर आप देखें, यहां से लेके और पुट में एंट्री किया तो यहां तक ये पूरा का पूरा कितना आपका अंतर हो गया, 70 पॉइंट के पास। तो 70 पॉइंट में आप, अच्छा देखिए इसमें क्या करना है, हमें हमें ये देखना है कि आपकी जो एंट्री होने के बाद, ठीक है ना, एंट्री होने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है। अब एंट्री तो आपने कर लिया, एंट्री होने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉप लॉस क्या होगा। यहां पर आपने एंट्री किया तो इस 5 मिनट का कैंडल का ये वाला जो पार्ट है यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? सिंपल, बिना स्टॉप लॉस के काम आपको नहीं करना है, एंट्री यहां स्टॉप लॉस यहां, और फिर आपको प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग फटाफट बुक करना है, ट्रेल करना है। और ये बहुत फास्ट काम होता है, जैसे अभी मैं देख रहा हूं कि मार्केट आज गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अब ट्रेड क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि अभी निफ्टी चल रहा है 16,000, अभी जो आपके सामने दिख रहा है 16,050, तो 16,050 में ही ट्रेड करना है आपको, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको 16,100 में ट्रेड करना है, 16,200 में ट्रेड करना है, बिल्कुल नहीं। जहां पर आपका, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा तो होगा, ठीक है, लेकिन आपका रिवॉर्ड्स बहुत अच्छा मिलेगा वहां पर, आपको जो रिटर्न्स मिलने हैं। अब इसमें करना क्या है, जैसे अब मान लीजिए कि 16,000 आपका हमने निफ्टी लिया, अब ये आपके पास पेज आ गया, पहला 16,000 पे अब कैसे आप एंट्री करेंगे ये आपको कोई नहीं समझाएगा। यहाँ आपका देख लीजिए प्रीमियम क्या है, 185 रुपये, ठीक है? और यहां पर प्रीमियम क्या है, 175 रुपये। तो आपको एंट्री करना है सीधे यहां पर 175 रुपये पे, आपको एंट्री कर लेना है, यहां पर पुट में एंट्री कर लेना है। ये दोबारा रिटेक किया क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ये है तो ये स्टॉप लॉस के पास गया नहीं, ठीक है? और उसके बाद तुरंत आपके पास रिटर्न्स आ गया 150 के पास। तो 150 से लेके 100, यहां से 175 से 150, यानी सीधे सीधे 25 पॉइंट आपके पास आ जाता है। तो इस टाइप से अगर आप इसको पीछे भी जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेटअप कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए आप,
यहाँ पर आपके 5 मीटर कैंडल है, उसके बाद नीचे। तो इस टाइप से आप कहीं भी आप देखोगे 5 मीटर कैंडल पे आपकी एंट्री। ये एक बहुत बेहतरीन एंट्री है जहाँ पर आप अपना कॉल एंड ऑप्शन में अगर आप काम करते हो तो इस टाइप से आप काम कर सकते हो। पहले 5 मिनट के कैंडल पे जैसे ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, ब्रेकआउट दे तो आपको कॉल लेना है, ब्रेक डाउन दे तो आपको पुट लेना है और अपना प्रॉफिट बुक करना। बिल्कुल आसान है, सेटअप अच्छा है और आप इसको इस्तेमाल कीजिए। पहले छोटे से इस्तेमाल कीजिए, एक एक लॉट लेकर, और फिर आपको समझ में आ जाएगा।